तो चलिए आज का प्लान शूट आउट में एबीएसएस कुयानी वर्सेस घनोडे के बीच। एबीएसएस कुयानी पहला शॉट लेने के लिए तैयार, उधर कीपर भी रेडी हैं, देखते हैं पहला शॉट। बहुत ही सुंदर बचाओ, हालांकि इजी था शॉट, उतना पावर में नहीं था। दूसरा शॉट लेने के लिए कुयानी के खिलाड़ी, तीन नंबर खिलाड़ी, देखते हैं क्या गोल कर पाएंगे। बहुत ही शानदार शॉट, अलग ही सीधा था, लेकिन कीपर पहले ही साइड में आ गए थे। तीसरा शॉट लेने के लिए कुयानी के खिलाड़ी, चार नंबर खिलाड़ी, देखते हैं क्या गोल कर पाएंगे अपने टीम के लिए। इजी शॉट था बहुत ही, कीपर के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सेव किया। चौथी शॉट लेने के लिए कुयानी के खिलाड़ी, अभी तो कुयानी तीन शॉट में दो ही, सॉरी एक ही गोल किया है। चौथा शॉट लेने के लिए आ रहे हैं आठ नंबर खिलाड़ी, देखते हैं क्या कुयानी की टीम दूसरा गोल खोज पाएंगे। जी जी, बहुत ही शानदार शॉट था, जोर से शॉट मारते हुए बाड़ को छूते ही गोल हो गया। देखते हैं पांचवा शॉट, वो यानी कि सात नंबर खिलाड़ी अपने गेंद को रखते हुए, चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी शॉट था, इजी मतलब कीपर के लिए कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, आराम से सेव किया है। चलिए देखते हैं अभी फिलहाल घनोडे की शॉट। कुयानी ने पांच गेंदों में दो ही गोल किए हैं। अभी घनोडे की ओर से पहला शॉट लेने के लिए पंद्रह नंबर खिलाड़ी, गेंद को रखते हुए सही जगह, क्या गोल कर पाएंगे पहला गोल, देखते हैं। कीपर की रेडी, बहुत ही शानदार शॉट, कीपर के पास कोई भी मौका नहीं था, हालांकि कीपर एक तरफ और गेंद एक तरफ गया था, आराम से गोल हो गया। दूसरा शॉट लेने के लिए घनोडे के खिलाड़ी, दस नंबर खिलाड़ी, आप सभी लोग जानते हैं दस नंबर खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या देखते हैं क्या अच्छे खिलाड़ी हमारा गोल कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए जी शॉट, बहुत ही सुंदर। अभी तीसरा शॉट घनोडे की ओर से, हालांकि मैच ड्रॉ हो गया है, अगर ये भी गोल का हो जाए तो घनोडे विनर हो जाएंगे इस मैच में। तो देखते हैं 44 नंबर खिलाड़ी, गेंद को रखते हुए मारने की कोशिश, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और इसी के साथ गोल।